दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुंतल और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नेहा वीडियो फिल्म प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, ब्रजमाला के इस एपिसोड में आज हम आपको वो स्थान लेकर जा रहे हैं जहां विश्व की सबसे बड़ी तोप का गोला गिरा था और इसका परिणाम क्या हुआ ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं क्या हुआ उस जगह का जहां पर सैकड़ों साल पहले चली तोप का गोला गिरा और अब कैसी है वो जगह। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जयपुर से करीबन 35 किलोमीटर दूर चाकसू कस्बे में और यहीं हमको वो जगह मिलेगी जहां वो गोला गिरा था। और अभी हम उस स्थान पर भी आ चुके हैं जिस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी तोप जो कि जयगढ़ किले के डूंगर दरवाजे पर रखी है उसका गोला गिरा था। अभी आप देख रहे हैं इस स्थान पर एक काफी बड़ा तालाब बन चुका है। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले जब जयपुर के पास स्थित जयवाण तोप को पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चलाया गया था तो जयपुर से करीबन 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू कस्बे में जहां पर अभी हम मौजूद हैं यहां वो गोला गिरा था। और उसी गोले के गिरने से यहां ये जो आप देख रहे हैं ये तालाब यहां बन गया और आज ये तालाब गांव के लोगों की प्यास बुझा रहा है। हम आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियों पर जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इस किले में विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जिसका नाम है जयवाण तोप। इस किले के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जयगढ़ किले में मौजूद तोप को सिर्फ एक बार टेस्टिंग के लिए चलाया गया था और उसी का नतीजा है कि टेस्ट फायर के दौरान गोला गिरने से यहां यह तालाब बन गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तालाब में काफी पानी भरा हुआ है और ये दूर तक फैला हुआ है क्योंकि उस दौरान जब तोप चलाई गई तो यहाँ आसपास जंगल था, ये इलाका बिल्कुल वीरान था, लेकिन अब यहाँ आसपास काफी आबादी बस चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।